दिल्ली सरकार में क्लासरूम बनवाने को लेकर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, अब वो जवानी जंग के बाद अब पोस्टर वार पे शुरू हो गया है। बीजेपी के से विधायक मंजिता सिंह सिरसा ने बीजेपी ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसपे लिखा है कि दिल्ली खुद को सबसे बड़ा ईमानदार बताने वाला निकला सबसे बड़ा लुटेरा, जिसमें अरविंद केजरीवाल की एक फोटो लगाई गई है। ये फोटो स्कूल के में जिस तरीके से एक क्लास को बनवाने को लेकर ये आरोप लगाया बीजेपी ने कि एक क्लास रूम बनवाने के लिए आम आदमी पार्टी ने 25 लाख रुपए खर्च करे हैं, उसी बात को रखते हुए ध्यान में रखते हुए ये पोस्टर बनाया गया और उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने स्कूल में क्लास बनाने के नाम पर लूट की है। क्योंकि एक जो क्लासरूम बनवाने की बात की गई थी उसमें 25 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई है बीजेपी की तरफ से, जो एक सिंपल रूम बनाने की बात की गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडिंग है, तब 25 लाख, जिसके अंदर डेस्क भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, वो तमाम चीजें उसमें इंक्लूड की गई है, उसके बाद उसकी कॉस्ट है 25 लाख रुपए आई है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का आरोप है, वो उनका कहना है कि क्लास के अंदर सिर्फ एक चार दीवारी है, उसके ऊपर ये 25 लाख रुपए खर्च किए गए। हालांकि इस तमाम तरीके को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, ठीक आम आदमी पार्टी ने भी उसी तरीके से बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाया था कि एमसीडी के अंदर जो एक क्लास बनाने को लेकर 28 लाख के आसपास पैसा खर्च किया गया है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की एक राजनीति है इस वक्त अब शुरू हो गई है। बहरहाल कुल मिलाकर यह कहा जाए तो स्कूल में क्लासरूम बनाने को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की एक राजनीति शुरू है, उसको देखकर यही लगता है कि बच्चों के लिए जो डेस्क बनाए जाने थे, जो क्लास बनाई जानी थी, उस पर अब राजनीति सियासत शुरू हो गई है। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।